मैं हूँ रेखा, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सूजी की इडली बनाना बताती हूँ, जो मैंने तीन तरह से उसको फ्राई करके दिखाया है। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हमने ये लिया है, अब इसके बाद हम इसमें सूजी डालते हैं। देखिए, ये हमने एक कप सूजी दी, अपने हिसाब से, जितने लोग के हिसाब से लीजिएगा। एक कप हम इसमें सूजी और लेंगे। तो अब ये हमने दूसरा कप लिया है, ये देखिए हमने ये सूजी ले ली है। और हम इसमें दही लिया है हमने, थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, प्योर बिल्कुल मीठा नहीं, थोड़ा एक दिन का दही होना चाहिए। तो हमने इसको कर लिया है इसमें। अब हम इसमें पानी डालते हैं, पानी डाल के इसको हम अभी चलाएंगे। हमारी ये इस तरह से, जब तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इतनी टेस्टी बनेंगी कि वो मैं डालते ही घुल जाएंगी। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए देखिए, अब हम इसको ऐसे ही घोलते रहेंगे और एक ही साइड से राउंड करना है, यानी कि ऐसे इधर ऐसे से नहीं, एक ही हमने साइड पकड़ लिया है। इसको ऐसे करके हमने, देखो, दही और पानी पूरा एक सा हो गया। देखिए इस तरह से हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको, और उसके बाद फिर हम जब बनाएंगे तब हम फिर आपको बताएंगे। ढक के रख देते हैं, 10 मिनट के लिए रख दिया था। हम इसको खोलते हैं। अब देखिए थिक हो गया है थोड़ा सा, तो हम इसमें, देखिए इस तरह से हो गया। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी पड़ सकता है, क्योंकि सूजी पानी सूख लेती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद हम फिर इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, मगर मैं सोडा नहीं डालूंगी इसमें, मैं इनो एक पैकेट डालूंगी। ये देखिए, इसको चला लीजिए, एक सा कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें इनो डालती हूँ, एक पाउच इनो का डाल दूँगी। बहुत से लोग तो सोडा डाल देते हैं, खाना सोडा, मगर खाना सोडे का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसका तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्लेवर। और देखिए, मैं एक ही राउंड में इसको ऐसे करके घुमाऊँगी, सारा मिक्स हो जाए एक साथ। पहले मैं इसको पूरा ऐसे राउंड करूँगी, और इसके बाद फिर मैं इसको ऊपर नीचे, देखिए ऐसे चाहिए। अब हम बनाते हैं, हमारा पूरा मैटर तैयार है। ऐसे करके ये सब में हम स्टैंड में इस तरह से लेंगे। इसमें हम ऐसे करके डालते हैं इसमें सारी, ये देखिए फटाफट कितनी जल्दी बनती है ये, और आप बना के देखिएगा, बिल्कुल रुई जैसी तैयार होगी। देखिएगा कितनी अच्छी बल्ली जल्दी बनेगी आपकी, रुई जैसे सूखकर लगाएगा। अब हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको ढक देते हैं, जब इसमें खोला आ जाएगा फिर हम अपनी, जो हमने इडली स्टैंड में रखी है, फिर हम उसको रख के आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा पानी खोल गया है, खोल गया है पानी। अब हम इसको इसमें रखते हैं। देखिए इसको ऐसे करके घुमा के रखना है, ये छेन है इसके, तो देखते हैं। हमने इसको ढाक दिया है 10 मिनट के लिए, इसको ढाक दिया 10 मिनट बाद आपको, अभी हमारे 10 मिनट बाद हम देखते हैं। अब हम गैस को बंद करते हैं और उतार के हम रखते हैं। अब ये हमने, देखिए, इसमें स्टैंड में से सारी निकाल ली है। देखिए ऐसी बिल्कुल कितनी स्पंजी बनी है, देखिए दानेदार बिल्कुल ही। अब हम आपको इसमें तीन तरह का, दो, एक तो सादा हो गई, अब हम आपको 2 तरह की फ्राई करके दिखाते हैं। तेल डालते हैं इसमें, राई डालते हैं, करी पत्ता डालते हैं, राई में करी पत्ते की, और ये देखिए आप राई करी पत्ते की मैं तो फ्राई करती हूँ। ये राई और करी पत्ते की है, तो हम पहले ही डाल चुके थे। ये गोली की चटनी है, टमाटो की चटनी है, बहुत अच्छी लगेंगी इसे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये मैंने इसको कर दिया सर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरह की बताती हूँ फ्राई करके। यह हमने साफ कर लिया इसको, करी पत्ते का राइस छौंका था। अब हम दूसरी इडली आपको फ्राई करके बताते हैं। तो हम इसमें 2 चम्मच मचराई डाल रहे हैं, और चिली मिर्च डाल दी मैंने 2, और ये ओनियन प्याज डाल दिया मैंने इसमें, अब ये सब में, और ये टमाटर। अब मैं इसको 5 मिनट इसको मुझे फ्राई करना है, 5 मिनट। अब नमक डाल, इसे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, इसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी आधे चम्मच से भी कम धनिया डाल
हल्दी डाल दी है और मिर्च अपने स्वाद अनुसार मैंने थोड़ी सी ली है। बस 2 चम्मच करीब हमें पानी डालना है, 2 चम्मच करीब। बस अब हम इसको टमाटर और ये सारा मिक्स हो जाएगा। अभी आप देखिएगा 5 मिनट बाद हमारा ये देखिए मटर ऐसा हो गया है, पूरा सब मिक्स हो गया। ऐसे ही चाहिए, थोड़ा सा गीला, क्योंकि अभी हम इसमें डालेंगे फिर भूनेंगे। अब हम इसमें ये डालते हैं, आप जो ये देखिए ऐसे देखिए कितना देखिए, आप देखिए ये सब हो गया, मसाला भी सूख गया, पूरी हो गई बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अब मैं आपको सर्व करके, ऐसे तैयार हो गई बिल्कुल मेरी, खा के देखिएगा बताइएगा मुझे। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।